हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा चल रहा है आपका वर्क फ्रॉम होम? आई होप बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। आप अपने घर के काम के साथ साथ आप अपना ऑफिस का काम भी कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी इजी होता है सबके लिए। सबको चाहिए कि अच्छा है ये वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू हो। बट कुछ दिक्कतें आती हैं वर्क फ्रॉम होम में, जैसे कि खुद को हमेशा एक्टिव रखना। यस, आई नो कि बहुत लोगों को ऐसी दिक्कतें आती होंगी कि खुद को हमेशा लैपटॉप पे एक्टिव कैसे रखें। कहीं बॉस मुझे देख तो नहीं रहा कि मैं अवे हूँ अपने लैपटॉप से। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत सारे इजी उपाय जो कि आप यूज़ कर सकते हो खुद को एक्टिव दिखाने के लिए। अपने लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, जो भी आपका ऑफिस का लैपटॉप हो या अपना पर्सनल लैपटॉप हो, आप उस पर खुद को कैसे एक्टिव दिखा सकते हो। इधर आप स्काइप यूज़ कर रहे हो या फिर आप टीम्स यूज़ कर रहे हो, जूम यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर, आप उस पर खुद को एक्टिव कैसे दिखा सकते हो। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आप अपने डेस्क से उठ के जा रहे हो, मे बी किसी का लैपटॉप 5 मिनट में या किसी का 15 मिनट में वो लॉक हो जाता है। बट लॉक होता ज़रूर होगा, चाहे वो क्लाइंट सिस्टम हो या फिर आपका पर्सनल सिस्टम हो। तो कैसे इससे बचा जा सके, तो इसके लिए आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ 3 इजी प्रोसेस जिसके थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट भी बताऊंगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ मेरे लैपटॉप पे खुद को एक्टिव रखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने जो ऑफिस का लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसको एक्टिव रख सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। कभी कभी होता है कि हमारा क्लाइंट सिस्टम अलग इस पे रहता है, जैसे कोई AWS पे है या सिट्रिक्स पे है, तो आप उस पे भी यही चीज़ें कर सकते हो। मैं आपको सीधा मेरे लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा, बट आप सेम चीज़ वहाँ पे भी कर सकते हो अप्लाई। तो आपका जो क्लाइंट सिस्टम रहेगा वो भी आपका एक्टिव रहेगा उसी तरह से। या फिर अगर आपका मतलब कंपनी का पर्सनल लैपटॉप है जिसमें आप डायरेक्ट उसके लैपटॉप पे ही यूज़ कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप यहाँ पे सीख सकते हो कि कैसे एक्टिव करना है। तो सबसे पहला ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली और जो मुझे सबसे इजी लगता है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नोटपैड खोल लेना है। तो उसके लिए आप अपना रन कमांड खोल के आप अपना नोटपैड यहाँ पे टाइप कर लो और आप वहाँ से नोटपैड खोल लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी की पे आप कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली स्पेस बार पे करता हूँ। तो अपनी स्पेस बार के ऊपर आप कोई भी भारी चीज़ रख दो जिससे कि वो दबा हुआ रहे। तो मैं जैसे क्या करता हूँ, मेरा पावर बैंक है तो मैं अपने पावर बैंक को उस पर प्लेस कर देता हूँ, जो कि एकदम अच्छे से वहाँ पे प्लेस हो जाता है। और उसके बाद पीसी को लगता है कि कंप्यूटर एक्टिव है क्योंकि वहाँ पे वर्क हो रहा है, और इससे आपका लैपटॉप लॉक नहीं होगा और वो कंटिन्यू आप एक्टिव दिखोगे अपने। अगर आप स्काइप यूज़ कर रहे हो या टीम्स यूज़ कर रहे हो तो आप उस पर हमेशा एक्टिव दिखोगे। तो ये पहला ट्रिक है जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी इफेक्टिव लगता है मुझे और काफ़ी ईजी लगता है क्योंकि मैंने बस एक नोटपैड खोला और उस पर स्पेस बार दबा दिया। तो ये काफ़ी ईजी लगता है मुझे जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं, कुछ अच्छे लगने वाले तरीके भी हैं जो कि अच्छा लगेगा अगर आप पीसी को कभी देखोगे तो वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे आप वो कर सकते हो। तो फर्स्ट ये हो गया नोटपैड, अब इसको हम कर लेते हैं क्लोज। दूसरा जो तरीका है वो पीपीटी का है, जो आप एक पीपीटी के थ्रू कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी एक पीपीटी बना सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, ओके। और उसके बाद उसको जो सेव आप करोगे, तो कोई भी, अब जैसे मैंने ये पीपीटी बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ भी एक अच्छा डिज़ाइन डाल सकते हो जो कि आप अपने हमेशा अपने स्क्रीन पे देखना चाहो जब आप अवे हो अपने सिस्टम से। तो आप यहाँ पे कोई एक अच्छा डिज़ाइन डाल सकते हो, बट अभी के लिए मैंने ये डाला हुआ है। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको जब सेव करोगे तो आपको इसको पावर पॉइंट फॉर्मेट चेंज करना है। तो जैसे मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ सेव के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे बस ये सेव एज टाइप को चेंज करना है, इससे और वो ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको ईजियर तरीका बताने के लिए यहाँ पे हूँ, तो इसलिए मैं आपको ईजियर तरीका बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखना है पावर पॉइंट शो .ppsx, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो .ppsx में ये सेव हो जाएगा। अब इसको आपको सेव कर लेना है। अब मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, मैं इसको क्लोज कर दूँ, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। अब ये आप देख सकते हो ये .ppsx है और ये .pptx है, तो ये पावर पॉइंट शो डायरेक्ट ओपन होगा। तो इसमें आपको एक स्टेप दो स्टेप और बच जाएगा, तो मैं आपको ईजियर तरीका बता रहा हूँ। अब जैसे आपका ऑफिस का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है,
तो वहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होंगे आपको जो आपके यूज़ के होंगे, तो हो सकता है उसके बीच में आपको ये रखना अच्छा ना लगे, तो आप इसको एक साइड में रख लो। तो मैं नॉर्मली इस साइड में रखता हूँ। तो फिर अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप से अवे होने वाले हो, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट बस इसको डबल क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो वो डायरेक्ट पावर पॉइंट शो में ओपन हो गया, डायरेक्ट मेरे स्क्रीन पे एक पावर पॉइंट ओपन हो गया। तो अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप को क्या लगता है कि यहाँ पे कोई पावर पॉइंट चल रहा है, मतलब ये लैपटॉप एक्टिव है, कोई तो इस पर कुछ काम कर रहा है, तो इसीलिए वो लॉक नहीं होगा लैपटॉप, जिसके कारण आप अवे नहीं होगे अपने स्काइप या फिर टीम्स जो भी आप यूज़ करते होगे उससे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना रहेगा कि जब आप इस पावर पॉइंट शो को चलाते हो तो कभी कभी साइलेंट मोड एक्टिव हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उसको सेटिंग में बंद कर सकते हो, या फिर यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे विंडो की को प्रेस करना है, तो आपका नीचे ये स्पेस बार का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ नोटिफिकेशंस वाले आइकन पे जाना है। यहाँ आप देख सकते हो अलार्म्स ओनली करके आ जाता है, ये फोकस असिस्ट विंडोज़ का फीचर है जिसके थ्रू ये हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, आपको अगर कोई नोटिफिकेशन आता भी है आपके किसी ऐप पे, तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा या उसका आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ और काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरफियर नहीं होना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक बार ये करके इसको बंद कर लेना है। यहाँ से बंद कर लोगे तो इसके बाद आप आराम से वो चला सकते हो, और फिर से आप विंडो की प्रेस कर दोगे आपका वो चला जाएगा। अब आपका पीसी या लैपटॉप जो है वो एक्टिव भी रहेगा और आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगे अगर आपको टीम्स पे या स्काइप पे कोई भी मैसेज या कॉल आता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ जो कि वो भी अच्छा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप या तो कोई एक सिंगल इमेज रख लो, या फिर अगर आपका इमेज का डायरेक्टरी है, कोई एक फोल्डर है जहाँ पे आपके बहुत सारे इमेजेस हैं और आप चाहते हो कि स्लाइड शो में आपके बहुत सारे इमेजेस चलें, तो आप वैसा कर सकते हो, या फिर आप एक सिंगल इमेज भी रख सकते हो। इसको भी मैं इस तरफ ले लेता हूँ। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे इस इमेज को मैंने ओपन कर लिया, और इसको आपको स्लाइड शो में चला देना है। यहाँ से आपको जाना है, यहाँ से आपको स्लाइड शो करना है। स्लाइड शो कर दोगे तो ये भी एक तरह से स्लाइड शो में इमेज चलता रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लैपटॉप कंटिन्यू एक्टिव है, मतलब कोई इस पर बहुत सारे इमेजेस देख रहा है। तो आप एक सिंगल इमेज के साथ भी ये कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारी इमेजेस अगर हैं तो वो आपका कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, आप उसके साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका सेम प्रॉब्लम है जो कि पीपीटी के साथ है, कि आपका फोकस असिस्ट चालू हो जाता है, तो आप उसके लिए वापस से सेम वे में अपने इससे फोकस असिस्ट को बंद कर सकते हो। उसको बंद करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है जो आप अपने पीसी पे कर सकते हो, जिससे कि आपको हमेशा ये प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ से जाके आप ये सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ आप देख सकते हो कि ये फोकस असिस्ट आपको रखना है कि नहीं, जब भी आप कोई वैसा काम करते हो तो आप सीधा इसको डायरेक्ट यहाँ से ऑफ करके रख सकते हो, ताकि ऐसे टाइम में नोटिफिकेशन बंद ना हो, तो आप इसको डायरेक्ट ऑफ करके भी यहाँ से रख सकते हो। बट मैंने ये ऑन रखा हुआ है क्योंकि बहुत बहुत सारे टाइम जब मैं अपने वर्क पे प्रेजेंटेशन वगैरह देता रहता हूँ, तो उस समय मुझे कोई इंटरफियर ना हो, मेरा कोई मैसेज वगैरह ना बजे, तो इसके लिए मैं उसको हमेशा चालू रखता हूँ। तो आप ये तीन तरीका मैंने आपको बताया जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो पर्सनली जो मैंने नोटपैड का तरीका बताया वो मैं यूज़ करता हूँ, बट ये दोनों भी मैं पहले यूज़ करता था, बट जब मुझे नोटपैड का तरीका पता चला तो वो मुझे सबसे ईजी लगता है, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।